हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो आप और आपके पेट बहुत ही अच्छे होंगे। हम फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें मैक्सिमम लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि घर के ही घर में होम मेड ट्रीटमेंट हम टिक, माइट और फ्लीज की यहाँ पर किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में मेडिसिन बताइए। क्योंकि बहुत बार लॉकडाउन के पीरियड में हम डॉक्टर के पास जा नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर जो है आजू बाजू में वहाँ पर अप्रोच बहुत जल्दी नहीं हो पाते, या फिर वो डॉक्टर उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो टिक माइट फ्लीज के जो भी इन्फेस्टेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग करते हैं, या फिर जैसे अभी हमने वीडियो में आपको दिखाया इस तरह से डॉग पे बहुत सारे टिक्स हो चुके हैं, या फिर छोटे छोटे जो लाइस जो, इसकी वजह से डॉग को एनीमिया भी होता है और टिक फेयर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर डॉग के टिक माइट फ्लीज का इन्फेस्टेशन आप घर के घर में किस तरह आराम से ठीक तरह से करवा सकते हो और इस चीज से आप डॉग से निजात पा सकते हो। सो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर राहुल, आप देख रहे हैं डॉक्टर राहुल वेट सर्विस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज आती है आपको लेनी है एप्पल सिडर विनेगर लेना है। ये जो चीज है आपको इस तरह से आती है, ये जो चीज है आपको यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिंक दी है जहाँ से आप प्याज को ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, हाफ कप जो होता है ये बॉयल में आपको एप्पल सिडर विनेगर लेना है। उसके बाद हाफ बॉयल इसमें आपको वाटर इसमें डलवाना है। इसका मिक्स करने के बाद इस तरह से आपको कोई भी जो स्प्रे आएगा तो स्प्रे में आप डलवा लीजिए। और आप यहाँ पर डॉग के ऊपर जो भी स्कीन है हमें उल्टी दिशा में यहाँ पर करवा के यहाँ पर डॉग के ऊपर पूरी तरह से स्प्रे करवाना है। तो इस वजह से आपके डॉग की जो भी टिक माइट फ्लीज की जो भी प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। सेकंड जो चीज होती है वो होती है नीम। नीम के जो पत्ते होते हैं आपको यहाँ पर मिक्सर में क्रश करवा लेने हैं। उसके बाद इसका जो कपड़ा होता है, कपड़े में से निचोड़ के इसका आपको जूस निकलवा लेना है। और ये जो होता है इसके साथ आपको जो होता है एक लेमन इसमें डलवाइए। लेमन डालने के बाद इसका भी आप छानने के बाद एक स्प्रे बनवाइए। नीम की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल भी होती है, और इससे टिक माइट फ्लीज जो होती है ये काफी आराम से कम हो जाते हैं। इसका एक बार जो आप स्प्रे बनाने के बाद हेयर के कोट के डिफरेंट डायरेक्शन में आपको मार के इसमें आप डॉग के टिक माइट फ्लीज से आप निजात पा सकते हो। सेकंड जो चीज होती है हमें यहाँ पर, अगर आपके पास नीम ऑयल है तो यू कैन यूज नीम ऑयल ऑल्सो। तो नीम ऑयल जहाँ भी ज्यादा हॉट स्पॉट जो आते हैं वहां पर आप डायरेक्टली हाफ पार्ट ऑफ नीम ऑयल हाफ पार्ट ऑफ वाटर इसका शेक करके एक सोल्यूशन बनाइए और वहां पर आप स्प्रे कीजिए। इसकी वजह से आपके डॉग का रेडनेस और जो भी इन्फ्लामेशन है काफी कम हो जाएगा। सेकंड जो चीज होती है यहाँ पर, इस तरह से टिक माइट फ्लीज के जो होते हैं इसमें आपको कोम आते हैं। ये कोम यूज करने की वजह से आपके टिक माइट फ्लीज जो है आपको डेली रूटीन के टाइम पे यहाँ पर डॉग के ग्रूमिंग कीजिए। ग्रूमिंग के टाइम पे बड़ी आराम से आप, अगर आप डॉग को ग्रूम करते हो तो इस तरह से आपके जो भी टिक माइट फ्लीज है वो डेथ होने के बाद यहाँ पर निकल जाए। सो फ्रेंड, अभी जो हमने चीजें बताया सभी नेचुरल चीजें हैं। इस वजह से अगर आपके डॉग की अगर ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो हमने यहाँ पर टिक माइट फ्लीज के लिए आपको सेपरेट वीडियोस बनाई है, जिसके लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। ये जो मेडिसिन है ये आपको यूज करके आप आपके डॉग के टिक माइट फ्लीज जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और हमारे सर्च आईडी है डॉक्टर ऑलवेज। आपकी छोटी से छोटी जो भी प्रॉब्लम है हम यहाँ पर आपको छुट्टी में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।